सो नमस्कार दोस्तों, मैं आया हूँ रॉयल एनफील्ड के शोरूम पर। मेरे पीछे खड़ी हुई है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350। ये बाइक्स जितने भी मॉडल्स में आती हैं सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। तो सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कौन सा मॉडल में आ रही है, कितने कलर में आ रही है, प्राइस क्या है हर मॉडल का, और क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या माइलेज है, और कितनी बेहतर हो जाती है आपके लिए। तो बने रहो वीडियो में, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैं शुरुआती मॉडल दिखाऊंगा, तो ये बेस वेरिएंट कहलाता है दोस्तों। ये है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का बेस वेरिएंट। तो ये आपको रेड कलर में देखने को मिल रहा है। ये देखिए रेड कलर की इसकी टंकी है और ब्लैक कॉम्बिनेशन में है ये, और डुअल मतलब स्प्लिट वाली सीट देखने को मिलती है। तो इसका जो मैं प्राइस बताऊँ, इसका जो ऑन रोड प्राइस कहाँ के हैं, कौडिया ऑटो सेल्स रामघाट रोड अलीगढ़ में ये शोरूम पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ के इसके ऑन रोड प्राइस है 2,34,000 रुपये इस वाली बाइक के दोस्तों। ये बेस वेरिएंट है। अब ये एक चीज़ और बता दूँ, ये दोस्तों डिसकंटिन्यू हो ही गया है, होने वाला है, मतलब ये जितना भी स्टॉक में है ना बचा हुआ वही अवेलेबल है। अगर आपको अभी जल्दी से ख़रीदना है तो आ सकते हो, चेकआउट कर सकते हो और ख़रीद सकते हो इसको अब, लेकिन एक दो महीने बाद ये होगा तो ये डिसकंटिन्यू हो गया ये वाला मॉडल। अब नेक्स्ट मॉडल जो है वो ये है, ये देखो आप, बढ़िया लग रहा है। इसमें ग्रीन कलर भी आता है, इसको बोलते हैं हेल्कन ब्लैक कलर। ये देखो हेल्कन ब्लैक कलर है, इसमें आपको येलो कलर की पट्टी देखने को मिल जाती है, थोड़ा मैरून कलर देखने को मिल जाता है, और जो ये रॉयल एनफील्ड लिखा है 3D में लिखा हुआ है, कुछ इस टाइप से पैटर्न है। ये कितने का पड़ जाता है, ये पड़ जाता है 2,44,000 रुपये का। इसमें भी अभी रिसेंटली अपडेट आई है। अपडेट क्या है दोस्तों, ये डुअल डिस्क में है, ठीक है, डुअल डिस्क में है, लेकिन सिंगल डिस्क में भी आती थी, लेकिन अब कंपनी ने सिंगल डिस्क इसका डिसकंटिन्यू कर दिया है। और जो ग्रीन कलर में आती थी, ग्रीन कलर में आती थी हेल्कन ग्रीन कलर, वो भी कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। ये देखो अभी सिर्फ ये आपको देखने को मिलेगी डबल डिस्क ब्रेक में और ब्लैक कलर में। ये देखो ये अपडेट है। अब नेक्स्ट आ गई है, ये देखो मेरे सामने खड़ी है, डार्क एडिशन कहलाता है, और ये मेरे सामने खड़ा है गन मेटेलिक ग्रे, यानी गन मेटल ग्रे बोलते हैं इस वाले कलर को। ये पड़ जाने वाला है 2,66,000 रुपये का। ये डार्क एडिशन कहलाता है, पर इसके अंदर स्टील ब्लैक भी आता है ना, स्टील ब्लैक, वो भी आने वाले समय में डिसकंटिन्यू हो जाएगा कलर। ये अपडेट है, ये नोट करके रखिए। ये मैं अभी बताऊँगा, पहले प्राइसिंग के बारे में बता दूँ। अब नेक्स्ट मॉडल इसका रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का इस टाइप का आता है, इसको बोलते हैं सिग्नल एडिशन। ये मार्स ग्रे कलर खड़ा हुआ है मेरे सामने, ये सिग्नल एडिशन कहलाता है, मार्स ग्रे कलर खड़ा हुआ है, और इसमें एक कलर और आता है डेजर्ट सैंड कलर। ये पड़ जाएगा आपको 2,58,000 रुपीज़ का, यानी कि 2,58,000 रुपये का। ये देख लो। अब नेक्स्ट आ जाता है क्रोम रेड, क्रोम रेड कलर, और एक क्रोम ब्रॉन्ज कलर भी आता है, लेकिन अब दोस्तों ये भी डिसकंटिन्यू हो गया है ना। ये पड़ जाएगा आपको 2,70,000 रुपये का, ये पड़ेगा 2,58,000 रुपये का, ये पड़ेगा मतलब मैटी कलर में जो है, ये पड़ेगा आपको 2,66,000 रुपये का, ये पड़ेगा 2,44,000 रुपये का, और वो जो बेस वेरिएंट है वो पड़ेगा 2,34,000 रुपये का। ये देख लो। अब इसका स्पेसिफिकेशन क्या क्या है ये देख लेते हैं। देखो तो स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो कंपनी ने जो पैसे ले रही है, डिस्क ब्रेक का अंतर आ जाता है, डुअल डिस्क सिंगल डिस्क का अंतर आ जाता है जो प्राइसिंग में है, और इनकी डिज़ाइनिंग का अंतर आ जाता है, यानी कि जो ग्राफिकल्स है, पेंट है, बाकी स्पेसिफिकेशन सब सेम है सारी गाड़ियों में। क्लासिक 350 में टायर भी वही मिलेगा, इंजन भी वही मिलेगा, सेल्फ मिलेगी, किक नहीं मिलेगा, लाइट भी वही मिलेगी, बैक लाइट भी वही मिलेगी, सब कुछ वही मिलेगा। तो मैं एक गाड़ी पकड़ लेता हूँ स्पेसिफिकेशन बताने के लिए, तो वो साइड में खड़े हुए वो ही पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ। देखिए निकल जा भाई, ये की है, ये देखिए ये है इसकी की, जो कि वेव की कहलाती है। अब मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, यहाँ से ये इंसर्ट हो गई। अब मीटर कंसोल इसका डुअल देखने को मिलता है, एनालॉग और डिजिटल में भी। यहाँ पर इसका स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग आ जाती है, बैटरी का, ABS का, और आपका फ्यूल का देखने को मिलता है, और इंडिकेटर का। हज़ार ऑप्शन गाड़ी में देखने को मिलता है, चारों इंडिकेटर एक साथ जलते हैं, और ये छोटी सी डिस्प्ले है, इसमें आपको ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ, फ्यूल का देखने को मिलता है, और ऑडोमीटर देखने को मिलता है, कितनी गाड़ी आपकी चल चुकी है, टाइमिंग भी देखने को मिलेगा, और सर्विस रिमाइंडर भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। ये आपका रॉयल एनफील्ड का देखने को मिलेगा लोगो, इसको अपडेट भी करा सकते हैं, नेविगेशन वगैरह भी करा सकते हैं आफ्टर मार्केट।
मीट और हैंडल बार में, ये आपका सेल्फ का और इंजन कट वाला स्विच देखने को मिलता है। ये देखो, ये आपके छोटे से बार हैंड देखने को मिलेंगे, और ये आपका हजार्ड ऑप्शन वाला स्विच, यहाँ पर हाई बीम लो बीम पासिंग का स्विच, यहाँ पीछे को मीटर कंसोल को ऑपरेट करने के लिए बटन, और यहाँ पर आपको इंडिकेटर, और ये हॉर्न सुन ही लिया होगा आपने। ये दो पायलट लैंप इसके अंदर देखने को मिलेंगे, और इंडिकेटर्स हैलोजन में है, और हैलोजन में इसकी हेडलाइट देखने को मिलेगी। सस्पेंशन ये देख लो, आपको वही टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, ये देख लो आप सस्पेंशन 41 mm के। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, स्पोक्स में गाड़ी देखने को मिलेंगी, ये देख लो। लेकिन कुछ मॉडल इसमें आपके आते हैं अलॉय व्हील में भी, ये गन मेटल ग्रे जो कलर है इसमें अलॉय व्हील देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें स्पोक्स देखने को मिलेगा। स्पोक्स में मतलब ट्यूबलेस टायर नहीं है, ट्यूब टायर हैं, और जो उसका फेंडर है, मडगार्ड है, वो आपको मजबूत काफ़ी देखने को मिलेगा। डिस्क ब्रेक बेस वाले वेरिएंट में आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे आगे की तरफ, जो कि 300 mm के हैं। सिंगल डिस्क ब्रेक है बेस वेरिएंट में, पीछे आपको RLP प्लेट देखने को मिलेगी, वही ड्रम ब्रेक जो होते हैं वो देखने को मिलेंगे। और जो ये आपका साइलेंसर है, तीनों ही गाड़ियों में आपको ये देखो, ये वाला स्टील का देखने को मिलेगा, और किसी किसी गाड़ी में ब्लैक कलर का भी देखने को मिलेगा। ये देखो, इसमें स्टील कलर का यानी क्रोम में, गन मेटल ग्रे में ब्लैक कलर का, इसमें ब्लैक कलर का, और ब्लैक कलर का इंजन इसमें और इसमें, यानी कि गन मेटल ग्रे में, और ये जो मैंने ये वाला कलर बताया था मार्ज ग्रे कलर है, मार्ज ग्रे कलर, और इसमें दोनों ही गाड़ियों में आपको इंजन और साइलेंसर ब्लैक कलर का देखने को मिलेगा। पर इसमें और इसमें और इसमें आपको ये क्रोम कलर का इंजन, क्रोम कलर का आपको साइलेंसर देखने को मिलेगा। ये देख लो, फिर से आ जाते हैं इस वाली गाड़ी की तरफ। सीट सभी गाड़ियों की स्प्लिट में देखने को मिलेगी, यानी कि दो भाग में बैठी हुई सीट देखने को मिलेगी। पांच गियर गाड़ी में देखने को मिलेंगे, 1 down 4 up। साइड स्टैंड में इंजन पावर कट वाला सेंसर, अगर साइड स्टैंड लगा हुआ है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। यहाँ क्लासिक और यहाँ रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है। ये देख लो, 13 liter की टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगी, यानी 13 liter में गाड़ी पूरी तरह से फुल चार्ज होएगी पेट्रोल, E20 सपोर्ट के साथ देखने को मिलेगी यह गाड़ी। और माइलेज जो है इसका भाई साहब मैं बता दूं, रियल में 35-40 तक का ये माइलेज आराम से कोट कर देगी। चार्जिंग सॉकेट भी तीनों सभी मॉडल में देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ से आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो। देखिए आपको USB टाइप चार्जिंग सॉकेट, ये लीवर्स हैं एल्युमिनियम के, सभी मॉडल्स में सेम देखने को मिलेंगे। और ये जो मिरर्स हैं यहाँ पर बेस वेरिएंट में, इसमें आपको क्रोम के देखने को मिलेंगे, ये देख लो। और ब्लैक कलर में आपको वही गन मेटल ग्रे जो है और मार्च ग्रे जो है, इसमें आपको ब्लैक कलर के मिरर्स देखने को मिलेंगे। यानी कि इसमें तो सब चीज़ ब्लैक कर दिए, मार्च ग्रे और गन मेटल ग्रे में, है ना, बाकी क्रोम करने को मिला। और ये हेड देखने को मिलता है यार, ये हेडलाइट में जो हेड है ना, ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ये देखो, ये हेड देखने को मिलता है, लेकिन इसमें गायब कर दिया है, मतलब वो ये किसी चीज़ में कहीं कुछ गायब कर दिया है, कहीं कुछ लगा दिया है कंपनी ने। अब इसमें भी हेड देखने को मिलता है बेस वेरिएंट में भी, ये देख लो आप, है ना। ये आप बैक प्रोफाइल विजिट कराऊं, देखो ये ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है बैक में आपको, हैलोजन में बैक लाइट और हैलोजन में इसके इंडिकेटर। मैं बताऊंगा किस किस मॉडल में आपको अलॉय व्हील देखने को मिलेगा। देखिए, दो मॉडल्स में अलॉय व्हील देखने को मिलेगा, एक आता है 266,000 रुपये का गन मेटल ग्रे वाले में, वो 266,000 रुपये का होगा, उसमें अलॉय व्हील देखने को मिलेगा, ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेंगे। और एक आता है आपका मार्च ग्रे वाला जो उधर की तरफ मैंने आपको दिखाया था, उसमें भी आपको अलॉय व्हील देखने को मिलेगा, वो मिलेगा 258,000 का, यानी 266,000 और 258,000 रुपये में आपको अलॉय व्हील का एडिशन देखने को मिलेगा, बाकी आपको अलॉय व्हील देखने को नहीं मिलेगा। और स्पोक्स में और ट्यूबलेस टायर नहीं है, ट्यूब टायर है इस वाले में। तो टायर का साइज़ तो सभी में सेम हो जाता है, तो इसका मैं बात कर लेता हूँ। क्लासिक 350 का टायर्स का साइज़ जो है वो आपका आगे वाला जो टायर है वो आपको 100x90 और 19 इंची के व्हील साइज़ के साथ देखने को मिलता है, यानी कि आगे का जो टायर है 19 इंची का 19 इंच का देखने को मिलेगा, है ना, 100x90 सेक्शन है टायर का। और पीछे वाला टायर जो है आपको देखने को मिलेगा 120x80, यानी कि 120x80 और 18 इंची के व्हील साइज़ के साथ देखने को मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस सभी गाड़ियों का क्लासिक 350 का सेम है, 170 mm का। और सीट हाइट जो है वो भी सेम है, 805 mm की सभी मॉडल्स की। दोस्तों ये देख लो, कर्व वेट सभी गाड़ियों का सेम है, 195 kg का कर्व वेट। तो दोस्तों ये देख लो, सारा कुछ डिटेल से मैंने बता ही दिया है, ये क्लासिक है। एक बार फिर से मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। देखिए, ये मिलेगी आपको, मैंने आपको बताया था 234,000 रुपये की,
इसमें आपको साइलेंसर क्रोम में, इंजन क्रोम में और शीशे क्रोम में देखने को मिलेंगे, और टंकी पर ज़्यादा डिजाइनिंग वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। सिंपल सिंगल डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा 2,34,000 रुपये में। अब आ जाते हैं थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा अगर आपको अप उठना है तो इसमें ट्यूब टायर है, स्पोक्स है, और क्रोम में इसका साइलेंसर है, क्रोम में इंजन है, थोड़ा सा डिजाइनिंग टंकी पे आ जाता है। ये पड़ जाएगी 2,44,000 रुपये की, और मिरर्स भी आपको क्रोम में देखने को मिलेंगे। ये एक्सेसरीज का पार्ट है जो पीछे लगा हुआ है ना, ये आपकी 2,44,000 की। अगर आपको अलॉय व्हील में गाड़ी चाहिए क्लासिक 350, तो ये 2,66,000 रुपये की मिल जाएगी। इसमें थोड़ी सी पैडिंग वगैरह भी लग के आ जाएगी, ये है ना, थोड़ी सी ग्रे कलर में है, बढ़िया लग रही है, मैटी कलर में है, अच्छी लग रही है। और इसमें ब्लैक कलर का इंजन, ब्लैक कलर का साइलेंसर, ब्लैक कलर का मिरर, ये 2,66 की, ये 2,58 की पड़ जाएगी, 258 है ना, ये पड़ जाएगी 2,58,000 रुपये की। इसको बोलते हैं मार्स ग्रे, ये भी इसमें ब्लैक कलर का सब कुछ देखने को मिलेगा, इंजन, साइलेंसर, और ये आपका मिरर भी ब्लैक कलर का देखने को मिलेगा। ये तो डिसकंटिन्यू हो ही रहा है, मतलब बस एक आध पीस बचा हुआ है, अगर आप चाहो तो इसको बुक करा सकते हो। ये भी स्पोक्स में देखने को मिलेगी, ये आपको पड़ जाएगी 2,70,000 रुपये की, सबसे महंगी है ये क्रोम में है ना, क्योंकि यार ये देखो। तो ऑलमोस्ट मैंने सारी जानकारी इन बाइक्स के बारे में दे दी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल कर दो ना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।